सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN2/2018 पूरी जानकारी देख लेते हैं। सातवें केवे आवेदन मैट्रिक्स के लेवल वन में विभिन्न पदों के लिए भर्ती। कंप्यूटर आधारित टेस्ट संभावित अनुसूचित अप्रैल तथा मई 2018 के दौरान। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 10/2/2018 और लास्ट डेट अप्लाई करने की 12/3/2018 है। भारतीय रेलवे के विभिन्न इकाइयों में सातवें के वे आवेदन मैट्रिक्स के स्तर एक के विभिन्न पदों के भर्ती के लिए अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विधिवत रूप से पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 12/3/2018 को 23:59 बजे तक केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें वे आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित प्रत्येक योग्यता प्राप्त है या पात्रता पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें। वेतनाम देख लेते हैं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के स्तर एक में प्रारंभिक वेतन 18,000 रुपये एवं अन्य स्वीकार्य भत्ते। आयु देख लेते हैं। 1/7/2018 के अंतर्गत 18 ईयर्स कम से कम और 31 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। परीक्षा के चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा के अंकों का मान्यीकरण किया जाएगा। वैकेंसी की जानकारी देख लेते हैं। अहमदाबाद में UR कैटेगरी के लिए 3056 है, SC के लिए 901, ST के लिए 477, OBC के लिए 1653, टोटल 6087 है। EX सर्विसमैन के लिए 1216, CCAA के लिए 1216, VH के लिए 1, OH के लिए 95, HH के लिए 175। अजमेर में UR के लिए 2493 और 704, SC के लिए ST के लिए 360, OBC के लिए 1198, EX सर्विसमैन के लिए 860, CCAA के लिए 860, VH के लिए नहीं है, 9 OH के लिए है, HH के लिए 1। अलाहाबाद में UR के लिए 2533, SC के लिए 736, ST के लिए 352, OBC के लिए 1141, EX सर्विसमैन के लिए 952, CCAA के लिए 952, VH के लिए नहीं है, OH के लिए 15, HH के लिए 4, तो टोटल 2293 है। भोपाल में UR के लिए 1772, SC के लिए 493, ST के लिए 296, OBC के लिए 961, टोटल 3522, एक्स सर्विसमैन के लिए 702, CCAA के लिए 702, VH के लिए नहीं है, OH के लिए 1, HH के लिए 0। भुवनेश्वर में UR के लिए 783, SC के लिए 245, ST के लिए 158, OBC के लिए 340, टोटल 1532, EX सर्विसमैन के लिए 305, CCAA के लिए 305, VH के लिए नहीं है, OH के लिए 3, HH के लिए भी नहीं है। बिलासपुर में UR के लिए 587, SC के लिए 168, ST के लिए 87, OBC के लिए 317, टोटल 1159, EX सर्विसमैन के लिए 232, CCAA के लिए 232, VH के लिए नहीं है, OH और HH के लिए 2-2 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में UR के लिए 3955, SC के लिए 1174, ST के लिए 590, OBC के लिए 2113, टोटल 7832, EX सर्विसमैन के लिए 1547, CCAA के लिए भी 1547, VH के लिए नहीं है, OH के लिए 18 और HH के लिए 11। चेन्नई में UR के लिए 1550, SC के लिए 431, ST के लिए 332, OBC के लिए 666, टोटल 2979 और EX सर्विसमैन के लिए इसमें 597, CCAA के लिए भी 597, VH के लिए नहीं है, OH के लिए 12, HH के लिए 8। गोरखपुर में UR के लिए 1686, SC के लिए 500, ST के लिए 276, OBC के लिए 926, टोटल 3388 है। और UR के लिए गुवाहाटी में 1304, SC के लिए 384, ST के लिए 193, OBC के लिए 926, टोटल 3388। कोलकाता में 1155 UR, SC 355, ST 203, OBC 654, टोटल 2367। मुंबई में UR के लिए 2321, SC के लिए 675, ST के लिए 393,
ओबीसी के लिए 1236, टोटल 4625। पटना में यूआर के लिए 3016, एससी के लिए 899, एसटी के लिए 450, ओबीसी के लिए 1614, टोटल 5981। रांची में यूआर के लिए 1240, एससी के लिए 426, एसटी के लिए 197, ओबीसी के लिए 662, टोटल 2525। सिकंदराबाद में यूआर के लिए 3254, एससी के लिए 1016, एसटी के लिए 530, ओबीसी के लिए 1723, टोटल 6523। तो इसी तरह यूआर के लिए 31889 है टोटल, एससी के लिए 9453, एसटी के लिए 5061, ओबीसी के लिए 16502, ईएक्स सर्विसमैन के लिए 12445, सीसीएए के लिए 12445, वीएच के लिए 62, ओएच के लिए 316, एचएच के लिए 351। तो टोटल वैकेंसी 62907 है। तो दोस्तों, अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से 10 तारीख से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं।